क्या आप जानते हैं यदि आप यूनिवर्स की इवोल्यूशन में गहरी खोज करते हैं तो साउंड एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट था। इसका अर्थ यह है कि लाइट एनर्जी और अन्य किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के पहले साउंड एनर्जी आई थी। इसलिए यूनिवर्स में हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। सभी लिक्विड सॉलिड गैस मटेरियल वाइब्रेट करते हैं, उनका एक फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि हमारे विचारों थॉट्स की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसके ऊपर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है, और इसलिए हम कुछ खास संगीत सुनने से ठीक हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि आपका पसंदीदा संगीत सुनकर कौन खुश नहीं होता है, लेकिन हीलिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्य अच्छा ही कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने उपचार के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो सदियों से मन और शरीर के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी यूज किया जाता रहा है। आइए चर्चा करते हैं कि हीलिंग फ्रीक्वेंसीज है क्या। हीलिंग फ्रीक्वेंसीज शरीर में आराम और सामंजस्य की स्थिति को प्रेरित करने के लिए एक प्रकार की साउंड वेव थेरेपी है। साउंड के विभिन्न फ्रीक्वेंसीज का हमारे ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। यह माना जाता है कि एक बार जब आपके ब्रेन में एक नई फ्रीक्वेंसी का परिचय हो जाता है तो आपकी ब्रेन वेव्स इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर महसूस करने लगती है। प्रभावी रूप से आपको एक अलग ही ब्रेन स्टेट में लॉन्च करती है और आपके शरीर पर एक होलिस्टिक प्रभाव डालती है। हीलिंग फ्रीक्वेंसीज का उपयोग होलिस्टिक और ईस्टर्न मेडिसिन में बीमारियों की एक श्रृंखला के इलाज के लिए किया जाता रहा है, जिसमें चिंता और डिप्रेशन से लेकर अनिद्रा तक सब कुछ शामिल है। साउंड फ्रीक्वेंसी थेरापी में अक्सर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है सिंगिंग बाउल्स, गोंग्स एंड विंड चाइम्स। अब चर्चा करते हैं कि सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज क्या है। माना जाता है कि सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पुराने सिक्स टोन स्केल का एक हिस्सा है जिसमें अलौकिक संगीत को जन्म दिया, जिसमें फेमस ग्रेगोरियन मंत्र भी शामिल है। हर सोल्फेजियो टोन में एनर्जी को बैलेंस करने की, आत्मा मन और शरीर को एक परफेक्ट हार्मनी में बनाए रखने की फ्रीक्वेंसी शामिल होती हैं। और इंटरेस्टिंगली रिसर्च से पता चलता है कि इन प्राचीन मंत्रों को गाने या सुनने से थकान दूर होती है और डिप्रेशन से भी राहत मिलता है। 6 मुख्य सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या आप क्यूरियस है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको पहले ट्राई करनी चाहिए? चेक दिस आउट। पहला है 396 हर्ट्ज। 396 हर्ट्ज आपको फेयर और गिल्ट से मुक्त करने के लिए है, साथ ही मूलाधार चक्र को संतुलित करने में भी मदद करता है जिससे आप ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं। यह दुख को आनंद में बदलने और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में बढ़ावा देता है। दोस्तों, अग्रिम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यह हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मेरा एक टैरो कार्ड रीडिंग चैनल भी है जिसका नाम है द इंडियन टैरो स्कूल, जिसमें मैं हर राशि की साप्ताहिक फोरकास्ट अपलोड करती हूँ। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। आप दान के माध्यम से भी मेरे चैनल को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया है। अब अगली फ्रिक्वेंसी पर चर्चा करते हैं, 417 हर्ट्ज। 417 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिजिकल बॉडी सहित फिजिकल लेवल पर चेंजेस को फैसिलिटेट करने के लिए है। यह ट्रॉमा की भावनाओं के साथ साथ किसी भी इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। यह जीवन में एक नई शुरुआत लाता है। नेक्स्ट है 522 हर्ट्ज। 522 हर्ट्ज मिराकल्स और डीएनए रिपेयर जैसे परिवर्तनों के लिए है। ये बहुत सीरियस फ्रीक्वेंसी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अक्सर बीमारी को दूर करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को मिराकल नोट या लव फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके बॉडी को टॉक्सिसिटी से छुटकारा दिलाता है, आपको प्यार और आत्मविश्वास में लाता है, और आपके हर्ट और मणिपुर चक्र दोनों को संतुलित करता है। इसके बाद आता है 639 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि रिलेशनशिप्स और रिकनेक्शंस के लिए है। यह पॉजिटिव फीलिंग्स को उत्पन्न करता है और हार्मनी और क्लियर कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है। यह आपको अपने साथ भी बेटर रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है और आपको यह सोचने में मदद करता है कि आपके लिए इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट
क्या है। इसके बाद आता है 741 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यह समाधान प्राप्त करने और स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए है। 741 हर्ट्ज सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी इमोशनल स्टेबिलिटी में सुधार करने के लिए भी माना जाता है, जिससे आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यह आपको अपने इंट्यूशन के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने में मदद करती है। यह आपको ओवरथिंकिंग से दूर रखता है और आपके नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न की जांच करने में आपको मदद करता है। एज ए रिजल्ट आपकी स्वयं की भावना और इनर स्ट्रेंथ में सुधार होता है और आप अपने एनर्जी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में एक नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। लास्ट इज 963 हर्ट्ज सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी, यह फ्रीक्वेंसी आपके इंट्यूशन और क्राउन चक्रों को जगाता है। यह आपके पॉजिटिव थॉट्स और वाइब्रेशन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। अपने भीतर गहराई से देखने के लिए 963 हर्ट्ज आपको अपने इनर सेल्फ से जोड़ने के लिए और अपने हाईएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट तक पहुंचने में मदद करता है। सही मनोस्थिति में आप परमात्मा से एकता और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी तक पहुंच सकते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपके एनर्जी को बैलेंस करती है और आपको आपके ओरिजिनल और संपूर्ण स्थिति में भी ले जाती है। नाउ लेट्स सी सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पर कार्य कैसे करें। किसी क्वाइट और पीसफुल जगह पर बैठे या लेट जाए, घर के अंदर या बाहर, एनीवेयर। अपने कंफर्टेबल वॉल्यूम के साथ एक ट्रैक चुने। सुनते समय खुद को रिलैक्स फील करें और रखे भी। सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज कभी भी सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आपके सोते समय भी आप सुन सकते हैं। यह फ्रीक्वेंसीज तब नहीं सुनना चाहिए जब आपको किसी भी टास्क में फुल अटेंशन देने की जरूरत है। इन ट्रैक्स को आप कितने भी देर तक सुन सकते हैं, कोई निर्धारित ड्यूरेशन नहीं है। इन ट्रैक्स को पूरे दिन सुन सकते हैं, कुछ मिनट सुन सकते हैं या फिर कुछ घंटे भी सुन सकते हैं। सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज को रेगुलरली सुनना जरूरी है, हालांकि लाभ कुछ महीनों के बाद ही दिखाई देता है। इसी के साथ हम इस बेहतरीन वीडियो के अंत में आते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप हमें ईमेल करें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मूनलाइट गाइडेंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।